हम बोर का परमाणु मॉडल बताने जा रहे हैं। एक वैज्ञानिक था प्लांक, उसने एक क्वांटम सिद्धांत दिया। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर बोर नामक वैज्ञानिक ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म है, गोलाकार है और विद्युत उदासीन कण है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते। ये जो कक्षाएं आप देख रहे हैं, ये कैसी कक्षाएं हैं? वृत्ताकार कक्षा, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट माने कक्षा। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट आप देख रहे हैं, इसमें जैसे ये पहला ऑर्बिट है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा। इसमें इन कक्षाओं में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसमें चलते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते। बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं अनंत है, अनंत है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है। अब ये मत सोचिएगा कि एक कक्षा यहां बनी है तो इसके बगल में यहां पे कक्षा नहीं है, यहां भी कक्षा है, यहां भी कक्षा है, लेकिन इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा रहा है। या तो इसमें लगा रहा है, इस वाली कक्षा में, और या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें, इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। इन कक्षाओं के बीच में बहुत सी कक्षाएं हैं। तो बोर कहता है इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें रहने पर वह ऊर्जा नहीं निकालता है। अब देखो, जैसे मान लो यहां एक कक्षा है, यहां तो इसमें रहकर यदि ऊर्जा निकालेगा तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। अब जैसे ये कक्षा है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो क्या नहीं निकालेगा? ऊर्जा नहीं निकालेगा। तो जब ऊर्जा नहीं निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, इसी कक्षा में रहेगा, ये नाभिक की ओर आएगा नहीं, इसी कक्षा में हमेशा, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसी कक्षा में हमेशा चलता रहेगा। तो ऐसी कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं या अनुमेयक कक्षाएं कहते हैं। स्थायी कक्षा या इसको क्या कहते हैं? अनुमेयक कक्षा।
स्टेशनरी ऑर्बिट या परमिसिबल ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट की क्या खासियत है? खासियत यह है कि उसमें जब इलेक्ट्रॉन रहेगा, चक्कर लगाएगा, तो एनर्जी नहीं निकलेगा, ऊर्जा नहीं निकलेगा। फिर यह परमाणु मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जिसमें उसका कोणीय संवेग h अपॉन 2π का पूर्ण गुणित होता है। पूर्ण गुणित यानी यहां n कर देंगे, यहां n एक पूर्ण संख्या है। इस n का जो मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी पूर्णांक भी है। अब देखिए यहां पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और इस इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग v है और ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी या ये कहिए इस कक्षा की त्रिज्या r है। तो इस इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग होगा m इंटू v, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा m इंटू v इंटू r, m इंटू b इंटू r बराबर n h अपॉन 2π। ये सूत्र बोर नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसमें m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और v इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग है, लीनियर वेलोसिटी, और r जो है इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में है उसकी त्रिज्या है, रेडियस, और n जो है यह एक पूर्ण संख्या है, इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और h जो है यह प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक स्थिरांक है, और पाई का मान 22/7 है, यह कांस्टेंट है। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे चक्कर लगा रहा है, ये कौन सी कक्षा है? पहली। तो ये जो पहली कक्षा है, ये वाली पहली कक्षा के लिए n बराबर 1, यानी ये जो कक्षा है इसके लिए n बराबर 1 होगा, और ये जो दूसरी कक्षा है इसके लिए n बराबर 2, ये जो तीसरी कक्षा है इसके लिए n बराबर 3, ये चौथी कक्षा है n बराबर 4, पांचवी कक्षा के लिए n बराबर 5, इसी प्रकार आगे। बोर ने कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कहा है, ऊर्जा स्तर, इनर्जी लेवल, चाहे कक्षा कहिए और चाहे कहिए ऊर्जा स्तर। जैसे ये क्या है? पहली कक्षा या पहला ऊर्जा स्तर। ये क्या है? दूसरी कक्षा या दूसरा ऊर्जा स्तर। ये जो पहली कक्षा है इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, ये जो पहली कक्षा है इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए इसको कहा गया है निम्नतम ऊर्जा स्तर, लोवेस्ट एनर्जी लेवल।
इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे, देखिए ये नाभिक है, जैसे जैसे नाभिक से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है तो उसकी ऊर्जा अधिक होगी, किससे अधिक होगी? पहली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन, तीसरी वाले की उससे भी अधिक, चौथे वाले की उससे भी अधिक, पांचवी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उससे भी अधिक होगी। बोर ने पहली कक्षा को के कक्षा कहा, दूसरी कक्षा को यल कक्षा कहा, तीसरी कक्षा को यम कक्षा और चौथी कक्षा को यन कक्षा, तो पांचवी कक्षा को ओ कक्षा कहा। के कक्षा का मतलब हुआ पहली कक्षा या प्रथम ऊर्जा स्तर, यल कक्षा का मतलब हुआ दूसरी कक्षा या द्वितीय ऊर्जा स्तर। फिर बोर ने कहा कि परमाणु, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये परमाणु का चित्र है, बोर ने कहा कि परमाणु प्रायः मूल अवस्था में रहता है। परमाणु प्रायः मूल अवस्था में ग्राउंड स्टेट में रहता है। इसको, मूल अवस्था को सामान्य अवस्था भी कहते हैं, तटस्थ अवस्था भी कहते हैं, आद्य अवस्था भी कहते हैं, निम्नतम ऊर्जा अवस्था भी कहते हैं। लेकिन जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तब परमाणु ऊर्जा लेकर उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां ये कूदने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन कूद कर पहली कक्षा से या तो दूसरी कक्षा में चला जाएगा, या तो तीसरी में चला जाएगा, या तो चौथी में चला जाएगा, यानी छोटे न्यून ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन कूदने लगते हैं, जंप करते हैं। और ज्यादा ऊर्जा दे देंगे तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए परमाणु से बाहर भी हो सकते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर में केवल 10 पर घाते ऋण 8 सेकेंड तक रहता है। इस समय के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से ऊर्जा निकालते हुए नीचे वाले ऊर्जा स्तर में लौटने लगता है, कूदने लगता है नीचे वाली कक्षा। जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऊर्जा स्तर से ऊंचे वाले ऊर्जा स्तर में जाता है तब वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से नीचे में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यदि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे ऊर्जा स्तर में है जिसकी ऊर्जा E1 है, चाहे पहली कक्षा ही मान लीजिए, इसकी ऊर्जा E1 है। अब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई,
अरे परमाणु को ऊर्जा मिल गई तो कुछ वो तो उसी में तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई और ऊर्जा मिलकर के गई, इलेक्ट्रॉन कूद गया ऊंचे वाले में, तो मान लिया ऊंचे वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या है E2, E1 से E2 हो गया, E2 बड़ा है E1 से, तो ऊर्जा का अवशोषण कितना होगा E2 - E1, और इसको हम डेल्टा E लिख सकते हैं, डेल्टा E। और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार डेल्टा E बराबर लिख सकते हैं H·ν। अरे E बराबर H·ν लिखते हैं तो डेल्टा E भी तो एनर्जी में अंतर है, ये भी लिख सकते हैं H·ν। इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो H·ν बराबर E2 - E1, इसलिए न्यू बराबर E2 - E1/H। तो ये सूत्र ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से आया है, जिसमें न्यू क्या है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कूद करके यहां आ गया या यहां आ गया तो अपने अंदर से क्या निकालेगा ऊर्जा। तो जब वो ऊर्जा निकालेगा तो उसका जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको रेखा मिलेगी, क्या मिलेगी रेखा, चमकती हुई रेखा मिलेगी, यानी रेखीय स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा। तो ये सारी बातों को बताया है बोर ने, इसी को कहा गया है बोर का परमाणु मॉडल। अब देखिए N का मान याद रखिएगा हमेशा पूर्ण संख्या में होता है। अब जैसे ये पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका कोणीय संवेग क्या होगा, N की जगह 1 रख देंगे 1H/2π। और जो दूसरी कक्षा ये वाली हमने लिया है, ये कक्षा तो यहां भी है यहां अंदर लेकिन उसको नहीं लिया, ये वाली कक्षा है दूसरी, तो इसमें यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसका कोणीय संवेग N की जगह 2 रख देंगे 2H/2। बोर के परमाणु मॉडल के दोष भी हैं कमियां भी हैं। क्या क्या कमियां हैं जरा उसको ध्यान से सुनिए। यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। दूसरी यह मॉडल रेखाओं के सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल डी ब्रॉग्ली समीकरण की भी व्याख्या नहीं करता है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को कण माना गया है, इलेक्ट्रॉन को कण माना गया है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन कण भी है इलेक्ट्रॉन तरंग भी है। तो इस मॉडल में और इसके पहले जो भी मॉडल बताए गए सब में यानी टॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने, इसके आगे वाला बताऊंगा सोमरफील्ड ने, इन चारों ने इलेक्ट्रॉन को कण माना है। लेकिन जो आधुनिक परमाणु मॉडल है उसमें श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को तरंग माना है। इस मॉडल में जो कक्षा है वो कैसी कक्षा है, वृत्ताकार सर्किल जैसे होता है वृत्त, सर्कुलर ऑर्बिट है। तो यह था बोर के परमाणु मॉडल के
कुछ बिंदु